सोशल सिक्योरिटी को मैं कहना चाहूंगा, उसको हमने बड़ा पैकेज इस प्रकार दिया जिससे कि पूरे राजस्थान में लोग कॉपरेट कर रहे हैं, घरों में बंद भी है, बाहर नहीं आ पा रहे हैं लगातार, तब भी हम लोगों ने करीब 2,500 करोड़ का लोकल पैकेज दिया है हम लोगों ने, जिसके आधार पर आप समझ लीजिए 78 लाख पेंशनर जो थे उनको 2 महीने की पेंशन एक साथ दे दी, तो उनके 3-3, 4-4 हजार रुपये आ गए उनके पास में। करीब 31 लाख लोगों को हमने चिन्हित किया है, 31 लाख प्लस 2, 33 लाख जो मजदूर भी हैं, जो डेयरी मजदूर करने वाले लोग थे, बीपीएल थे, स्टेट बीपीएल अंत्योदय योजना के, जिनको हमने पहले 1,000 रुपये दिए, फिर 1,500 रुपये दिए, 2,500 रुपये उनके खाते में डाल दिए गए। उससे उनको तसली हो गई, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। 10 किलोग्राम गेहूं पहले 5 दे रहे थे, फिर केंद्र सरकार ने घोषणा करने के बाद 10 किलोग्राम गेहूं प्रति हेड और 1 करोड़ 11 लाख परिवारों को उसमें हम लोग फ्री दे रहे हैं उनको, अधिकांश लोगों को, और साथ में 1 किलो दाल दे रहे हैं। और गर्भवती महिलाओं के लिए ट्रैकिंग की अलग सुविधा करी है, जिससे कि आज अगर कर्फ्यू लगा हुआ है या लॉकडाउन है, लॉकआउट है, तब भी मतलब उनका महिलाओं की ट्रैकिंग हो सके और डिलीवरी के वक्त उनको तकलीफ नहीं आए, पूरी ट्रैकिंग राजस्थान में करने का हम लोगों ने निश्चय किया। और एनजीओ और सोशल वर्कर बहुत आगे आ रहे हैं, तो घर घर में कोई भूखा नहीं रहे, ये हमारा नारा है, राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोएगा, और उसमें हम लोग कामयाब रहे हैं। इतने लोग आगे आगे आ, जयपुर में करीब 1 लाख लोग प्रतिदिन खाने के पैकेट वो पहुंचा रहे होंगे एनजीओ और सरकार मिलकर के। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि बिजली में पानी में हमने रेफर कर दी, बिल जिनके आ रहे थे, पशु पक्षियों के लिए लाने की अलग व्यवस्था की गई। एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि पूरी सरकार और पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरे पॉलिटिकल लोग और तमाम पार्टियों के लोग और तमाम जनता के सोशल वर्कर समझ लीजिए आप, कोई भी आज अपना कोई फील नहीं करता मैं अलग थलग हूँ, सब इन्वॉल्व अपना को किए हुए हैं और राजस्थान उस माहौल में हम लोग इसका मुकाबला कर रहे हैं। धन्यवाद।